अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शाहिद अली, कुकिंग विद शाहिद अली में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं, ये कल मैंने आलू गोभी बनाई थी तो ये बच गई थी, और बहुत ही आसान और बहुत ही कोई ज़्यादा चीज़ों के बगैर मज़ेदार से सैंडविच बनाना सिखा रहा हूँ। ये आपको देखें, ये डबल रोटी ली है मैंने, ये चार पीस की, और आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरह आपने ले कर और इसको बनाना है, ये बीच में आपने भरना है, बहुत मज़े के बनेंगे ये, बहुत ही मज़े के बनेंगे। बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं इसको। ये देखिए, कुछ आपने इसमें ज़्यादा नहीं करना है, बस ये डबल पीस का आपने रखना है, और ये सैंडविच, और बाकी आपको मैं इसको बना के अभी दिखाता हूँ, इसको तवे पे भी सेकना है। और गाइस, ये मैंने सैंडविच बना लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, इसके बीच में मैंने ये गोभी भरी है। आप चाहें तो इसमें केचप भी लगा सकते हैं, मेयोनीज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम चीज़ों में और एक अच्छी चीज़ आपको दिखाऊं कि जो आप आसानी से बना सकें। ये ना हो कि यार घर में ये चीज़ तो है ही नहीं तो आप वो चीज़ ना बना पाएँ, लेकिन बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। इसमें अब हमने क्या करना है, हल्का हल्का तवे पर ये देखें आप ऑयल लगाना है, ये ऐसे आपने ऑयल लगाना है और इसको आपने रख देना है इसके अंदर, लेकिन हल्की हीट पर रखना है कि ये ज़्यादा काले ना हो, सिर्फ लाल हो। और ये ऊपर से भी आपने इस तरह से ऑयलिंग कर देनी है इसमें। और ये मैंने चार बनाए हैं, ये चारों में इसी तरह आपके सामने तवे पे रख रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने चारों एक साथ रख दिए हैं, और आपको इसको फाइनल शक्ल में दिखाता हूँ। ये चारों रखने के बाद इसको मैं किस तरह पलटूँगा, आराम से आपने इसको पलटना है, कुछ भी आपने इसमें कोई जद्दोजहद नहीं करनी है, बस ये सिर्फ ऑयल लगाया है मैंने ब्रश से ऊपर, और इसको मैंने रख दिया है सेकने के लिए। आप खा के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें, बहुत ज़बरदस्त आता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, ठीक है। और गाइस, ये मैंने पलट दिए हैं चारों सैंडविच, आप इसका कलर्स देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, और मैं आपको इसको जो है पलटने के बाद की वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी ये फाइनल हो जाते हैं तो मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। और ये गाइस फाइनल हो चुके हैं, ये मैंने इसको केचप के साथ निकाला है, आलू बुखारे की चटनी है, केचप के साथ भी खा सकते हैं, रायते से भी खा सकते हैं, मेयोनीज भी डाल सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, जो भी आप इसमें डालना चाहें। ये सब्ज़ी को मैंने ज़ाया होने से बचाया है, ये एक तरह के सैंडविच बना के। कैसे लगे आपको सैंडविच मेरे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन मेरा लाजमी आप कमेंट वो दबाइएगा, ताकि ये मैं आपको जो भी रेसिपी बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।